ऐसी क्या बात थी जो आर्थर ने खुद अपनी फैमिली को किडनैप कर लिया था? क्या ये सब उसका कोई प्लान था या फिर कोई जबरदस्ती उससे ऐसा करवा रहा था? देखेंगे हम आज के इस कहानी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ डे एंड अ हाफ। कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है जहाँ पर आर्थर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। आर्थर रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो अपनी वाइफ से यहाँ पर मिलने आया है और उसे यहाँ पर उसकी वाइफ ने ही बुलाया है, मगर वो आर्थर को टोकन देकर वेट करने को बोलती है। अब काफी देर तक वेट करने के बाद आर्थर के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। फाइनली उसका नंबर आ जाता है और वो उस लेडी को अपनी वाइफ को बुलाने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि आपकी वाइफ अभी पेशेंट देखने में बिजी है, इसीलिए आपको लंच तक का वेट करना पड़ेगा। जिसको सुनकर आर्थर गुस्से से आग बबूला होकर अपनी गन निकाल लेता है और सबको डराने लगता है। आर्थर के हाथ में गन देखकर रिसेप्शन पर बैठी लेडी और बाकी आसपास के सभी लोग डर जाते हैं। तभी तेज आवाज सुनकर आर्थर की बीवी लुइस बाहर आ जाती है और उससे हॉस्पिटल आने का कारण पूछती है। आर्थर उसको बताता है कि तुमने ही तो मुझको यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आई। इसी बीच अस्पताल में मौजूद स्टाफ में किसी ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था और थोड़ी ही देर में पुलिस की कई सारी गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती है। लुइस अपने हस्बैंड को काफी समझाते हुए गन को नीचे करके पुलिस को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन आर्थर उसकी एक नहीं सुनता। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए आर्थर एक बड़े से कागज पर लिखकर पुलिस वालों को बताता है कि अगर मुझसे बात करनी है तो एक पुलिस वाले को निहत्ता मेरे यहां पर भेजो, साथ ही में मेरी जो मांगे हैं उनको पूरा करो। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वाला जिसका नाम ल्यूकस था अस्पताल के अंदर आता है और आते ही ल्यूकस चेक करता है कि सभी लोग ठीक हैं या फिर नहीं। पुलिस वाले के पूछने पर आर्थर उसको कोई जवाब ठीक से नहीं देता। आर्थर ल्यूकस से एक कार की डिमांड करता है जिसके शीशे काले हों और उस पर किसी प्रकार की नंबर प्लेट ना हो। वो पुलिस वाला उसकी इस डिमांड को मान लेता है, लेकिन उससे पहले एक शर्त रखता है कि पहले मुझे तुम्हारा बैग चेक करना होगा कि कहीं उसमें बॉम्ब तो नहीं है। दरअसल आर्थर तो बस अपनी बेटी कैसेंड्रा से मिलना चाहता था, मगर लुइस ने उसको कहीं छुपा के रखा हुआ है और उसने कई दिनों से आर्थर को कैसेंड्रा से मिलने ही नहीं दिया, इसीलिए आर्थर ये सब कर रहा है। अब आगे आर्थर पुलिस वाले को बताता है कि अगर वो लुइस को मार भी देगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लुइस उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देती है। इतने में ही दो लेडी पुलिस ऑफिसर्स सब कुछ चेक करने आ जाती है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन ल्यूकस उनको इशारे से समझा देता है कि ये दिमागी रूप से बीमार है और वो किसी को भी मार सकता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद आर्थर की मंगवाई हुई गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। कार को ल्यूकस ड्राइव करता है और उनके साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी चल रही होती हैं। ल्यूकस उससे एड्रेस पूछता है कि कहाँ चलना है, जिस पर लुइस उनको बताती है कि हमको वेस्ट विन रोड जाना होगा। ल्यूकस आर्थर को अपनी गन नीचे करने को कहता है, लेकिन आर्थर उसकी एक नहीं सुनता। अब अचानक चलती गाड़ी में आर्थर को रियलाइज होता है कि गाड़ी के शीशे काले नहीं हैं, जिस वजह से वो पैनिक करने लगता है और बहुत घबरा जाता है। ल्यूकस उसको समझाता है कि ये पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन आर्थर बुरी तरह से घबरा जाता है। थोड़ी ही देर में वो ल्यूकस की बात मान लेता है और गन को भी नीचे कर लेता है। ये तीनों लोग अब काफी दूर आ चुके थे, इसीलिए ल्यूकस की नजर अब फ्यूल गेज पर पड़ती है जो अब जल्दी खत्म होने वाला था। ल्यूकस उसको फ्यूल भरवाने का पूछता है। वैसे तो आर्थर घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो ल्यूकस को हाँ बोल देता है। इस बातचीत के दौरान अचानक आर्थर को कॉल आता है और वो कॉल कट करके ल्यूकस को रेडियो चालू करने को कहता है। रेडियो पर पूछा जा रहा था कि क्या आर्थर के बैग में कोई बॉम्ब है, जिस पर आर्थर ल्यूकस को मना करने को कहता है और समझाता है कि मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है। ल्यूकस ऐसा ही करता है, तब जाकर कहीं आर्थर की सांस में सांस आती है। थोड़ी ही देर में ल्यूकस अपने सैटेलाइट फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो लोग नेक्स्ट गैस स्टेशन पर फ्यूल डलवाएंगे। इतना कहते ही पुलिस की तीनों गाड़ी आगे निकल जाती है और गैस स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन ये देखकर आर्थर डर जाता है जो ल्यूकस को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तेरी प्लानिंग है, इसीलिए वो उसको इस गैस स्टेशन पर रुकने से मना कर देता है। जिसको ल्यूकस बहुत समझाता है कि वो तो बस तीनों को सेफ रखना चाहता है और इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ ही देर बाद तीनों लोग जाकर अगले गैस स्टेशन पर रुकते हैं और ल्यूकस आर्थर से कॉफी के लिए पूछता है, मगर आर्थर को ये सब उसकी चाल लग रही थी। उसको लग रहा था कि ल्यूकस उसको बेहोश करके पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो मना कर देता है और पेट्रोल डलवाकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी एक दूसरे से बिना बात किए अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी आर्थर को कुछ याद आता है और वो ल्यूकस से पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिस पर जवाब देते हुए ल्यूकस हाँ बोलता है कि उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की,
जिनको वो बहुत प्यार करता है, और वाइफ के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उनका तलाक हो चुका है, इसीलिए वो अब अलग रहते हैं। ल्यूकस आर्थर को बताता है कि आगे का रास्ता खराब है, इसीलिए तुम अपनी गन को नीचे कर लो वरना गलती से लुईस को गोली लग सकती है। इतने में आर्थर और लुईस के बीच झगड़ा होने लगता है। वो बताता है कि लुईस ने कैसेंड्रा यानी अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि एक दिन कड़कड़ाती ठंड में ये बिना कपड़ों के हमारी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। साथ ही में हम जान पाते हैं कि आर्थर को बातें भूलने की प्रॉब्लम होती है। ल्यूकस उन्हें लुईस के मॉमलेट के घर ले आता है, जहां आर्थर पुलिस वाले से अपनी बेटी को लाने को बोलता है ताकि वो कैसेंड्रा को अपने साथ ले जा सके। मगर तब तक लुईस के फादर घर के बाहर आ चुके थे, जिन्हें देखकर आर्थर बुरी बुरी बातें बोलता है, लेकिन ल्यूकस कैसे ना कैसे करके लुईस के फादर को मना लेता है आर्थर को उसकी बेटी से मिलवाने के लिए। कुछ देर के लिए ल्यूकस अपनी गाड़ी को उन्हीं के गैराज में लगा देता है, जिससे वो लोग आपस में अच्छे से मिल सके। जहां पर पुलिस वालों को सबकी काफी चिंता होती है कि कहीं आर्थर किसी को शूट ना कर दे, लेकिन ल्यूकस उनको समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि लुईस के फादर आर्थर को गाली देने लगते हैं, और हमें मालूम चलता है कि उन्हीं की वजह से आर्थर को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था, और वो उसे शुरुआत से ही पसंद नहीं करते थे। इतने में ही लुईस की मॉम आ जाती है, जो लुईस को काफी बुरा बोलने लगती है। देखने में साफ समझ आ रहा था कि इनके बीच जो प्रॉब्लम हो रही है वो सब लुईस के पेरेंट्स की वजह से हो रही है। इतने में कैसेंड्रा वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर के साथ कार में बैठकर बातचीत करने लगती है, मगर गुस्साए लुईस के फादर आर्थर को मारने के लिए गन ले आते हैं, लेकिन ल्यूकस उनको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अब वो भी समझ चुका था कि ये पूरी फैमिली पागल है। जिसके बाद आर्थर की बात नेगोशिएशन ऑफिसर से होती है, जिससे वो शहर से बाहर जाने के लिए प्लेन की मांग करता है, जिसको सुनकर वो साफ मना कर देता है कि गन के साथ हम तुम्हें किसी भी फ्लाइट में नहीं भेज सकते। ये सुनते ही आर्थर वॉकी टॉकी को रख देता है, और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लुईस लगातार उसको सरेंडर करने को बोल रही थी, मगर वो उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। आर्थर दिमाग लगाता है और यहाँ से जाने वाली फेरी के बारे में पूछता है, जिस पर नेगोशिएशन ऑफिसर अगली सुबह 10 बजे की फेरी के बारे में बताता है। अब धीरे धीरे रात हो चली थी और कैसेंड्रा को भी भूख लगने लगी थी। ल्यूकस समझदारी दिखाते हुए चलती गाड़ी में उनके लिए खाना और कॉफी पुलिस वालों से मंगवा लेता है, लेकिन आर्थर इस खाने को मना कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि पुलिस वाले इसमें जहर मिलाकर उसको मारना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते कुछ बच्चे गाड़ी पर पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं, जिससे कार में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। इस बात पर लुईस आर्थर को काफी डांट लगाती है, और अब धीरे धीरे आर्थर को समझ आने लग गया है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो फेरी लेने वाले थे, लेकिन अब आर्थर समझ चुका है कि अपने परिवार से मिलने के लिए उसने जो रास्ता चुना है वो गलत है, और उसको अपनी बेटी को देखकर खुद पर घिन आ रही होती है, क्योंकि जो भी उसने किया वो गलत था। आर्थर लुईस से माफी मांगता है और अपने किया का पछतावा करता है। लुईस उसको बताती है कि मैं सच में तुमसे मिलने वाली थी, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते, मगर जब भी तुम चाहो कैसेंड्रा से मिलने आ सकते हो। जिसके साथ आर्थर अपनी गन की मैगजीन को खाली करता है और लुईस को दे देता है। लुईस उस गन को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद आर्थर लगातार लुईस से माफी मांगता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हम समझ पाते हैं कि आर्थर ने अपने परिवार को पाने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, उसे सजा तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही सल्यूट है ल्यूकस जैसे पुलिस ऑफिसर को, जिसने पूरा केस बड़ी समझदारी के साथ संभाला और इस खूबसूरत से एंडिंग पर लाकर खत्म किया। खूबसूरत इसलिए क्योंकि सबको पता चल चुका था कि इनके बीच की परेशानियां लुईस के पेरेंट्स के कारण थी। साथ ही लुईस और आर्थर के बीच भी अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जेल से छूटकर आर्थर अपनी फैमिली से जरूर मिल पाएगा। वेल, इसी उम्मीद में हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।